ये लहसुन जो हमने बीज का लगाना था वो हमने छांट लिया, अब ये हमारे पास बच गया है। ये ना तो कभी खराब होता लहसुन, सही तरीके से लगाया हुआ, और ना इसके जैसे ये कई बार उग जाता है, ये उगता भी नहीं है। तो सही तरीके से संभाल करके रखें लहसुन को और अच्छे तरीके से लगाएं। लगाने का सही समय आ गया लहसुन का, अभी लगाएं, नहीं तो ठंड बढ़ने के बाद लहसुन लगाओगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं और बैठेगा भी नहीं। तो यही सही समय है लहसुन लगाने का, अभी लगा दीजिए। लहसुन लगाने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से खेत तैयार करेंगे। जिस क्यारी में भी हमने लहसुन लगाना है, मिट्टी बारीक और गोबर की खाद मिला के तैयार की है ये क्यारी, इसमें लगाएंगे लहसुन। लहसुन का जो भी बीज हमने लगाना है वो मोटा मोटा छांट कर अलग रख लिया है, इसको लगाएंगे। ये सफेद लहसुन है, लहसुन कैसे लगाते हैं ये सीखिए, बहुत पुराना फार्मूला। क्यारी का लेवल अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ऊंची नीची ना हो। अच्छी तरह नाप नाप कर लाइन बनाएंगे। नहीं 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 ऐसे पकड़ो, ऐसे देखो इसमें उठा के ना यहाँ लगाओ, ऐसे हाँ ऐसे लगाओ, ऐसे दूर दूर लगाओ, इतनी इतनी दूर, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, हाँ एक यहाँ लगा दे, ले तू भी ला, यहाँ भी लगाओ, इस खड्डे में लगाओ, ले तू यहाँ लगा, ये नहीं ये ले, ऐसे लगाते रहो, ये ऐसे लगाओ। और मुन्नी ये तो रह गया भाई एक, किसने सिखाया आपको लहसुन लगाना? अरे ध्रुवीन, इतना बढ़िया लहसुन तो आपने लगाना आ गया रे भाई, देखिए कितना अच्छा लहसुन लगाया ध्रुवीन ने, ये देखो पूरी लाइन में अपने आप और सही तरीके से लगा दो। हाँ लगा दो सारा, आप लगाओगे एक क्यारी लगाओ अपनी तो
आपको इतना भी पता है कि कैसे लगाना ये है? फिर इसको ऐसे लगा दिया, इसको इसमें लगाया, इसको इसमें डाला, इसको लगा देते अब पहले खुरपी का ले आ रही तेरी खुरपी मैंने लगा रही है और लहसुन लगाने के बाद फिर लगाएंगे इसमें पानी, पतला पतला पानी, ज़्यादा नहीं भरेंगे, ज़्यादा भरेंगे तो ये निकल जाएंगे लहसुन बाहर, ज़्यादा पानी में लहसुन लगाने के बाद इसको मिट्टी से ढकेंगे। लहसुन लगाने के बाद अगले दिन पानी लगाएं। गमले में लहसुन हम गमले में भी लगा सकते हैं लहसुन। ऊपर से लहसुन तोड़ के गमले में लगा सकते हैं। गमले में डाल चाहते हैं।